हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी आई पेडो सर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वी आई पेडो सर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। वी आई पी एडो सर प्रेजेंट्स वी आई पेडो सर एक्सक्लूसिव फ्लाइट एंड पैसेंजर बेस्ड डीआई आरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मैंने आज आप लोगों के लिए यहां पे फ्लाइट एंड पैसेंजर बेस्ड डीआई, ये एक ऐसी डीआई है जिसे मैंने खुद प्रिपेयर किया है। ईच एंड एवरीथिंग डीआई की थीम, डीआई के क्वेश्चंस और जो आप फोटो देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये सारे फोटो मैंने ही लिए हैं, मेरे द्वारा ही शूट किया गया फोटो है। एवरीथिंग इज एक्सक्लूसिव। सो आज आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है इस डीआई को सॉल्व करके। और मैं बता दूँगा आप लोगों को, अगर आप आरबीपीओ के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अगर आपको आप अगर किसी टफेस्ट शिफ्ट में आप अगर जाते हैं तो आपको वहाँ पर इस टाइप की डीआई देखने को मिल सकती है। आप सभी जानते हैं कि आरबीपीओ के एग्ज़ाम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में होते हैं और कुछ शिफ्ट ऐसे होते हैं जो कि बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़े से वहाँ पे क्वेश्चंस जो होते हैं अच्छे लेवल के होते हैं और थोड़े से आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली टफ होते हैं। तो उन शिफ्ट में आपको ऐसी डीआई देखने को मिल सकती है। तो अगर आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट फेस करेंगे तो आपको हो सकती डिफ़िकल्टी हो सकती है, आप सॉल्व नहीं कर पाएँ। इसीलिए मैंने ये डीआई जानबूझकर आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोग इस डीआई से वाकिफ रहें और जब आप एग्ज़ाम में फेस करें तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप आरआरबी क्लर्क के मेंस एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ भी आपको ये डीआई देखने को मिल सकती है। इस टाइप की डीआई आप वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर आगे आने वाले दिनों में आप कोई सा भी बैंकिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, IPS PO SBI PO, इन दोनों एग्ज़ाम के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आप इस डीआई को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल क्लियर? तो चलते हैं सीधा आगे क्वेश्चंस की तरफ, डीआई की तरफ। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो, बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को एक बार जरूर से लाइक करें। और हाँ, ये वीडियो अगर आप लोग नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मिलेगा एक ऐसा तरीका, टॉपर्स अप्रोच, जिससे आप अपने आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम में 80 out of 80 स्कोर कर पाएंगे। जिस तरीके से मैंने किया, जिस तरीके से मैंने पेपर अटेम्प्ट किया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर नहीं देखे हैं जाके देखें, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और डेफिनेटली आप 80 out of 80 स्कोर कर पाएंगे। ये है आपके सामने डीआई, करना क्या आपको, इस जगह से लेकर इस जगह तक पूरे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, इसे पढ़ना है, ये टेबल है, इसे इंटरप्रेट करना है, पढ़े समझें और इंटरप्रेट करें, ठीक है। और मैं बता दूंगा आपको, ये जो आप टेबल देख पा रहे हैं ये आपको हर एक स्लाइड मिल जाएगी। आगे आने वाले स्लाइड्स पे आगे आपको मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है ये लैंग्वेज के फॉर्म में, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको ये टेबल और क्वेश्चंस मिलेंगे, इसे आप पढ़ लें, समझ लें, इंटरप्रेट कर लें और फिर क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलेंगे, ठीक है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आराम से पढ़ें क्वेश्चन को और सॉल्व करें, इसे पढ़ के इंटरप्रेट करें और फिर मैं आगे इसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पढ़ते हैं क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है 3 flights इंडिगो, स्पाइस जेट एंड गो एयर रन बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। यहाँ पे 3 flight हैं जो कि दिल्ली और मुंबई के बीच में चलती हैं, जिसके यहाँ पे दिया गया इंडिगो, स्पाइस जेट एंड गो एयर। एमोंग द पैसेंजर्स सम ट्रेवल इन बिजनेस क्लास एंड सम ट्रेवल इकोनॉमी क्लास। देखिए, जब भी आप इन्फॉर्मेशन को पढ़ें तो हल्के निगाहों से आप जो भी आपके पास ग्राफ दिया गया है या फिर टेबल दिया गया है उसे देखते रहें। इससे क्या होता है ना कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं वो किस तरीके से टेबल के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। अगर आप एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, फिर आप टेबल देखेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर टेबल देखेंगे, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, ठीक है। ऐसा आप ना करें, आप पढ़ते जाएँ साथ साथ देखते जाएँ। जैसे मैंने पढ़ा 3 flights, मैंने देख लिया यहाँ पे, ये रहा फ्लाइट है, ये इंडिगो, स्पाइस जेट एंड गो एयर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अमॉन्ग द पैसेंजर्स सम ट्रेवल इन बिजनेस क्लास एंड सम ट्रेवल इकोनॉमी क्लास। यहाँ पे पैसेंजर जो हैं ये दो तरह का क्लास बनाया गया, यहाँ पे एक बिजनेस क्लास है
और एक इकोनॉमी क्लास है, ठीक है। जैसा फ्लाइट में होता है वैसे यहाँ पे भी दिया गया है सीन। आगे पढ़ते हैं, द टेबल शोज द नंबर ऑफ इकोनॉमी क्लास पैसेंजर ऑन ईच फ्लाइट। यहाँ पे बता रहा है कि टेबल में क्या दिया गया है, इकोनॉमी क्लास पैसेंजर, ये रहा इकोनॉमी क्लास पैसेंजर की जो नंबर्स हैं, कितने कितने लोग हैं, कितने पैसेंजर हैं। इन सही फ्लाइट में इंडिगो में 1050, स्पाइस जेट में 600 एंड गो एयर में 750, ठीक है। ये आपको दिया गया, यहाँ पे लिख दिया गया। इट ऑल्सो शोज द नंबर ऑफ बिजनेस क्लास पैसेंजर्स एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल पैसेंजर्स ऑन ईच फ्लाइट। और यहाँ पे ये भी दिया गया है बिजनेस क्लास कितने पैसेंजर हैं, इसका परसेंटेज में दिया गया है। किसका परसेंटेज दिया गया है, पैसेंजर्स परसेंटेज ऑफ टोटल पैसेंजर्स ऑन ईच फ्लाइट। अगर ये से ये दिया गया परसेंटेज ऑफ बिजनेस क्लास 30%, ये किसका है, ये इंडिगो में जितने पैसेंजर टोटल होंगे उनका 30% कौन है, बिजनेस क्लास के पैसेंजर हैं, ठीक है। स्पाइस जेट में जितने भी हम टोटल होंगे टोटल का 20%, गो एयर के टोटल का 25% बिजनेस क्लास के हैं, ये आपको ऐसे दिया गया है। इतना क्लियर है। एंड नंबर ऑफ बिजनेस क्लास मेल पैसेंजर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल बिजनेस क्लास पैसेंजर्स। अच्छा, यहाँ पे दिया गया परसेंटेज ऑफ बिजनेस क्लास मेल पैसेंजर आउट ऑफ ऑल द बिजनेस क्लास पैसेंजर, जितने बिजनेस क्लास पैसेंजर हैं इन पर्टिकुलर फ्लाइट्स में, उनका यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म दिया गया है। ये क्या है, ये जो आप निकालेंगे ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको नंबर ऑफ मेल्स। लेट्स से यहाँ पे इंडिगो दिया गया, इंडिगो में मान लेते हैं कि 100 ऐसे पैसेंजर हैं जो कि बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, किसमें, इंडिगो में, ठीक है। तो इसका लिखा है 60%, इसका मतलब इसमें कौन कौन होंगे, मेल एंड फीमेल। मेल कितने हो जाएंगे, 60% ऑफ दिस 100 कितने हो गए, 60। ऑब्वियसली 40 कितने हो जाएंगे, 40 कौन हो जाएंगे, नंबर ऑफ फीमेल्स इन दैट फ्लाइट जो कि बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पास डेटा दिया गया है, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरीके टेबल में कैसे कैसे दिया गया है। अब आप चाहें तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे हिडन इन्फॉर्मेशन है उसे आप यहाँ पे हिडन वैल्यू जो है उसे आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे देखें यहाँ पे, अगर एक मिनट से क्लियर कर देना थोड़ा सा, हाँ, अगर यहाँ देखें यहाँ दिया गया 30% कौन है, बिजनेस क्लास पैसेंजर, इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जो बचे हुए पैसेंजर है वो कौन है, इकोनॉमी क्लास के, यानी कि 70% बच गए, यानी 70% का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दिया गया 1050, है ना। अगर यहाँ से सॉल्व करें हमें क्या मिल जाएगा, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 से 1 टाइम्स, 7 से 5 टाइम्स, तो 15, 1% का वैल्यू 15, 30% कौन है, बिजनेस क्लास पैसेंजर, कितना हो जाएगा, 3 या 45, यानी कि 450 कितने हो गए, 450 हो गए इंडिगो के बिजनेस क्लास पैसेंजर। सेम मैच 20% ये है, बचे कितने, 80%, 80 का वैल्यू कितना है, 600, कितना आ जाएगा 1% का वैल्यू, ये आ जाएगा 15/2, 20% है ये कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स, यानी कि 150, ठीक है। स्पाइस जेट क्या मेरे पास आ गया, सेम एज अगर यहाँ देखें ये 75% हो जाएंगे कौन, इकोनॉमी क्लास के, यानी यहाँ से कैंसिल करें ये मिलेगा 10, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 250 जो है वो बिजनेस क्लास के हैं, गो एयर में 250% है, 250 पैसेंजर जो कि बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं। इस तरीके से मेरा डेटा निकल के आ चुका है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर डेटा जो दिया गया है वो काफ़ी आसान है, ईजी है, आप इजली कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इजली कैंसिल हो रहे हैं, इजली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं हो रहा। अब ये जो बिजनेस क्लास पैसेंजर आ गए, इस बिजनेस क्लास में कौन कौन होंगे, ऑब्वियसली मेल भी होंगे फीमेल भी होंगी, मेल भी फीमेल भी, तो यहाँ से ये जो परसेंटेज दिया गया ये किसका दिया गया, ये मेल का दिया गया है। अगर यहाँ से निकाले डेटा हम लोग मेल एंड फीमेल का, तो कैसे निकाल पाएंगे, 60% कौन है, मेल हैं, कितने हो जाएंगे यहाँ से, 45 का ट्रिपल करेंगे, 135 का डबल करेंगे, 270 हो गए मेल, बचे कितने, बच गए जो 180, ये हो गए फीमेल, ठीक है। सेम है यहाँ पर 57 का 105 हो गए मेल, बचे कितने हैं, 45, ये हो गए फीमेल। सेम है यहाँ करेंगे 25 है 200 हो गए यहाँ पे मेल, और बच जो हो गए यहाँ 50, ये हो गई फीमेल। तो जितने भी यहाँ पे फ्लाइट्स थे इंडिगो, स्पाइसजेट, गो एयर, सभी के हम लोग ये निकालिए बिजनेस क्लास में कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, फिर ये भी निकालिए उसमें कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं,
अब यहाँ से जो जो चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ से कर चुके हैं। हालांकि ये डिपेंड आप पे करेगा कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहते हैं सभी सभी डेटा को पहले इवेल्यूएट करना फिर सॉल्व करना तो भी आप कर सकते हैं, आप चाहें हर क्वेश्चन में करना तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इस डीआई में देखें तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है नहीं, कैलकुलेशन जो भी है वो ईजी है, आप आराम से कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ इसे पहले कर लेंगे तो हमें सुविधा होगी, और जब आपके सामने ये डीआई जब आएगी तो आपके राइट साइड में से क्वेश्चंस भी होंगे, आप क्वेश्चन को देख करके समझ सकते हैं कि हमें इसे अभी निकालना ज़रूरी है या फिर हम क्वेश्चन के साथ साथ निकालें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सभी चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया आराम से। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे हमारे पास आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। और एक चीज़ और यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ कि हम लोग यहाँ पे इकोनॉमी क्लास के मेल और फीमेल को फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिया गया नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर के वो कौन है, टोटल टोटल इंडिगो कितने हैं, स्पाइस जेट कितने हैं और गो एयर के, इसमें मेल फीमेल के बारे में नहीं दिया गया है। इतना क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो बताएं एक बार चैट बॉक्स में लिख करके, और वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दें, काफ़ी अच्छी डी आई है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये डी आई सॉल्व कर जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपको वहाँ पे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से ऐसे डी आई को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। और एक और चीज़, अगर आपने इस डेटा को इवेल्यूएट नहीं किया है आप इसे एक बार इवेल्यूएट कर लें, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इन सभी को आप अपने पेपर पर नोट डाउन कर लें, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस डेटा को आप एक बार नोट कर लें अपने पेपर पेपर पे, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तेजी से, मुझे तो आगे पीछे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, सॉल्व करें, आंसर बताएं इसका। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बिजनेस क्लास पैसेंजर ऑन ऑल थ्री फ्लाइट टुगेदर, तीनों फ्लाइट के बिजनेस पैसेंजर का सम चाहिए हमें। अभी जो निकाले हम लोग तीनों फ्लाइट के, ये तीनों फ्लाइट बिजनेस क्लास ये रहे, इन तीनों को सम करना है, 400, 2600, 1700, 1800, 850, 850। इतना आसान डेटा, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर है? आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे सर आप बोले कि टफेस्ट सिर्फ डीआई हो सकती है, ये उस टाइप की डीआई है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो गए, है ना? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी आगे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। जब भी आप इस टाइप के डीआई देखते हैं तो क्या होता है ना कि पहले आप ये देखेंगे, इसे देख के डरेंगे कितना लंबा डेटा दिया गया है, फिर आप हिम्मत करेंगे सॉल्व करेंगे कोशिश करेंगे, फिर क्वेश्चन एक क्वेश्चन काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन, एक लाइन क्वेश्चन है, आपको लगेगा हाँ हो जाएगा, लेकिन कभी कभी इस टाइप की डीआई आपको फंसा सकती है जहाँ पे आप अधिक से टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन जो होता है आराम से वो काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, अगर डीआई थोड़ी टफ लग रही है आपको तो, लेकिन यहाँ पर डेटा काफ़ी आसान है तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है? किसी भी क्वेश्चन में कुछ किसी भी चीज़ में टेबल सॉल्व कर रहे हैं कुछ वैल्यू निकाल रहे हैं कहीं भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और अगर चाहते हैं डिस्कस करना तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन किया होगा चैट बॉक्स में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, ये सॉल्व करें, इसे बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है आपका। ऑन द थ्री फ्लाइट टुगेदर, तीन फ्लाइट का टुगेदर करना, क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कम्बाइंड नंबर ऑफ बिजनेस क्लास पैसेंजर टू द कम्बाइंड नंबर ऑफ इकोनॉमी क्लास पैसेंजर। ओके, बिजनेस क्लास के पैसेंजर टोटल और इकोनॉमी क्लास के, अभी अभी निकाले थे हम लोग बिजनेस क्लास कितने आए थे, 850 आए थे, है ना, और इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर कितने हैं ये हमें देखना पड़ेगा। यहाँ तो दिया गया ना, यहीं देख लेते हैं ना, कितना दिया गया, 600, 1000, 1600 और 7300, 2400, ये कितने हैं, 2400। बस रेशियो लेना है और कुछ करना का है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा आराम से, फाइव से करेंगे हो जाएगा 17 टाइम्स, फाइव से हो जाएगा ये 48 टाइम्स, 17:48 इसका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? दो क्वेश्चन निकल चुके आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही हमें, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको डेटा का यूज करना पड़ रहा है। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं निकाले होते तो आपको
यहाँ पे निकालना पड़ता। तो हम लोग निकाल रखे हैं पहले से, तो पहले क्वेश्चन में यूज हुआ और सेम डेटा आपके सेकेंड क्वेश्चन में भी यूज हो गया, मतलब यहाँ से हमारा टाइम सेव हो पा रहा है। समझ में आ रहा? आगे बढ़े, क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर टू के बाद ये क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करें, आंसर बताएं। अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्व करें। यहाँ पे क्या दिया है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फीमेल इकोनॉमी क्लास पैसेंजर ऑफ ऑल फ्लाइट्स। फीमेल इकोनॉमी क्लास पैसेंजर ऑफ ऑल फ्लाइट इट इफ इट इज गिवन दैट द नंबर ऑफ मेल इकोनॉमी क्लास पैसेंजर इन ईच फ्लाइट इज 1/5 ऑफ द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मेल बिजनेस क्लास पैसेंजर इन दैट फ्लाइट। अभी मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे इकोनॉमी क्लास का डेटा हमारे पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें पता है कितने पैसेंजर्स हैं, इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं, फिर ये हमें नहीं पता। तो आपसे क्या पूछा गया, फीमेल इकोनॉमी क्लास पैसेंजर और ऑल फ्लाइट। तो इसके इकोनॉमी क्लास के आपको फीमेल निकालना है, उसका फिर क्या निकालना है, आपको एवरेज लेना है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है इट इज़ गिवन डैट नंबर ऑफ मेल इकोनॉमी क्लास पैसेंजर। इसमें कौन कौन होंगे, इसमें मेल भी तो होंगे ना, मेल भी होंगे, मेल ऊपर लिखते हैं आराम से, इधर मेल इधर फीमेल, ठीक है, एक सिक्वेंस में रहेगा मेल फीमेल, यहाँ भी सेम मेल फीमेल। तो यहाँ पे क्या है कि ये दिया रखा है कि मेल पैसेंजर जो है वो कितने 1/5 ऑफ द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मेल बिजनेस क्लास पैसेंजर। यहाँ पे जो हमारे पास पैसेंजर्स आए थे मेल फीमेल, इसमें जो मेल है इसका आपको 1/5 करेंगे। अगर इंडिगो में कितने आए थे देख लेते हैं डेटा, यहाँ पे कितने कितने आए थे, 270, 105, 200 ये है ना 200, ठीक है, ये यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स है। इनका अगर हम लोग जैसे कि 270 है, इंडिगो 270 है, इसका अगर कर दे 1/5, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इकोनॉमी क्लास के, इंडिगो के इकोनॉमी क्लास के मेल, ठीक है। कर इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 5 से हो जाएगा ये 5 times, 5 से हो जाएगा ये 4 times, 54, ठीक है। इसका करें 21 आ जाएगा, 1/5 का करेंगे 1/5 तो, और फिर अगर 200 कितना आ जाएगा, 5 से 4 times, 40, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। ये तो ये कौन आ गए, ये मेरे पास मेल आ गए, मेल से हमें काम नहीं चलना, हमें चाहिए फीमेल। कैसे निकालेंगे, इस टोटल में से इसे माइनस कर देंगे, कितना कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे करें 1050 - 34, ये आ जाएगा 996 आ जाएगा। यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा 579, और यहाँ कितना मिल जाएगा 710। ये हमारे पास फीमेल आ गई। करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको इन सभी का सम करना है और एवरेज निकालना है। तो आप एवरेज ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैं सिंपल यहाँ पे कर रहा हूँ इसका सम। सम करेंगे कितना मिल जाएगा हमें, 6 और ये कितना 969 15, और 191 10 17 118, 9 110 15 and 22, 2 2 8 5 3 से आपको करना है डिवाइड, 7 times, 3 से 6 times, 3 से 1 time, और 0.66666 आते रहेगा। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 761.67। क्लियर है, समझ में आ रहा ना? ये भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा सा आपको इसमें कैलकुलेशन करवाया गया है। आपको मेल फीमेल निकालने होंगे वहाँ से बिजनेस क्लास के, हम लोगों ने पहले निकाल रखे हैं, तो हमें सुविधा भी करने में सिंपल निकाल पाएँ हम लोग यहाँ पे मेल एंड फीमेल ऑफ इकोनॉमी क्लास पैसेंजर। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़े। वीडियो को लाइक करते रह कीजिए एक बार, और चैनल को शेयर किया करिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए।
लोगों तक तो पहुंचे, वीडियो का रीच बढ़े। आप समझ रहे हैं ना, करना चाहिए शेयर आपको, क्योंकि तो ऐसे कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे, जिससे आप एग्ज़ाम में काफ़ी रिलैक्स हो पाएंगे, एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आप शेयर तो ज़रूर से कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें, आंसर बताएं। इसका आंसर क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, काफ़ी एक लेंथ का क्वेश्चन, अच्छे लंबा क्वेश्चन लग रहा है, सॉल्व करें। और एक और चीज़ यहाँ पे आपके पास दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसके झांसे में मत आएँ। कभी कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन देखते हैं और ऑप्शन दिखता है आपको सी एंड डी, तो आपको लगता है हाँ इसका आंसर ये होगा, आप आंसर मार्क कर देते हैं, लेकिन ऐसी गलती ना करें। ज़रूरी नहीं है कि सी एंड डी ही आंसर हो, और हो सकता है आंसर भी हो। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद ही आंसर मार्क करें, ठीक है? आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर, सॉल्व करें इसका और बताएं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पे यहाँ दे रहा है कि ऑन इंडिपेंडेंस डे सेल ऑल फ्लाइट्स ऑपरेटर। अच्छा हाँ, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15 अगस्त, तो इस पे सेल लगाया गया है। क्या कह रहा है? ऑल फ्लाइट ऑपरेटर ऑफर्स हेवी डिस्काउंट। सभी ऑपरेटर जो हैं, यानी कि इंडिगो, स्पाइसजेट, गो एयर, ये डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं ऑन ओनली बिजनेस क्लास टिकट्स ऑफ फीमेल पैसेंजर। तो बिजनेस क्लास टिकट पे ही सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट दे रहे हैं, वो भी किस पे? फीमेल पैसेंजर पे। ओके, यानी कि मेल कुछ नहीं मिलेगा। ये कौन सी बात हुई? चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट ऑफर किया गया, वो किसे ऑफर किया गया? सिर्फ बिजनेस क्लास वालों को, उसमें से भी किसे? फीमेल को। अगर कोई फीमेल पैसेंजर हैं जो कि बिजनेस क्लास टिकट परचेज करती हैं, तो उन्हें फिर डिस्काउंट मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। ये सेल है। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड बाई गो एयर ऑन ईच टिकट सच दैट टोटल रिवेन्यू कलेक्शन ऑफ गो एयर इज ₹1.221 करोड़। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको ये पता करना है कितना डिस्काउंट ऑफर किया गया गो एयर के द्वारा। गो एयर ने कितना परसेंट डिस्काउंट ऑफर किया हर एक टिकट पे, और ये भी दे रखा आपको कि गो एयर का जो टोटल रिवेन्यू कलेक्शन है वो कितना है, 1.221 करोड़ है। ओके, इफ द बेस फेयर ऑफ इकोनॉमी एंड बिजनेस क्लास ऑफ गो एयर इज ₹8,000 एंड 27,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे आपको इकोनॉमी क्लास का दे रखा है, इसका कितना है? इसका ₹8,000 है, और बिजनेस क्लास कितना है? ₹27,000 है, ठीक है? तो आपको ये पता करना है कि डिस्काउंट जो ऑफर किया गया उसका वैल्यू क्या होगा, कितना परसेंट डिस्काउंट ऑफर किया गया, ये बताएं, सॉल्व करके बताएं, सभी लोग बताएं। अच्छा क्वेश्चन, बताएं। अगर आप यहाँ पे देखें, आपसे पूछा गया है डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए, आपको ये तो पता होना चाहिए पहले कि डिस्काउंट का वैल्यू कितना है, कितना रुपया का डिस्काउंट दिया गया टोटल, ये तो पता होना चाहिए आपको। ये कैसे पता चलेगा? आपको ये तो पता है कि डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंट देने के बाद जो रिवेन्यू आया है वो इतना है, 1.221 करोड़। लेकिन डिस्काउंट देने से पहले कितना था ये नहीं पता। अगर वो निकाल लेंगे हमें क्या मिल जाएगा? पहले था एक्स, डिस्काउंट देने के बाद हो गया 1.221 करोड़। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ही क्या होगा, मैं डिस्काउंट हो जाएगा ना। तो यहाँ से ये हमें निकालना पड़ेगा रिवेन्यू कलेक्शन बिफोर डिस्काउंट। डिस्काउंट जब नहीं देते तो कितना रिवेन्यू आता, वो कैसे निकालेंगे? 750 है यहाँ पे इकोनॉमी क्लास के, कर देंगे मल्टीप्लाई 75, 8 कितना हो जाएगा? 300 का डबल 600, 600 कितना जीरो है? 3, 1, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, ठीक है। और यहाँ पे बिजनेस क्लास के कितने पैसेंजर थे ये देखना पड़ेगा एक बार, कितने थे? 250 थे शायद, हाँ 250 हैं। तो बिजनेस क्लास में 250 पैसेंजर हैं, तो और इनका फेयर कितना है? 27,000 है, कितना हो गया? 25 का 25, 625 और 50, 675, 675 पे 1, 2, 3, 4, 0, यहाँ से अगर ऐड करें 1, 2, 7, 5 पे 1, 2, 3, 4, 0, ये क्या आ गया?
टोटल रिवेन्यू कलेक्शन मेरे पास आ गया है ना, डिस्काउंट से पहले का। लेकिन डिस्काउंट में कितना डिस्काउंट देने का, 1.221 करोड़ है, यानी कि 1.221 करोड़। ठीक है, अगर इन दोनों को माइनस कर दें हमें क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.0004, ये आ जाएगा 7 है ना, 7.2, ये हो जाएगा 5, तो 540,000 का डिस्काउंट मिल रहा है हमें, 5,40,000 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, तो 5,40,000 दिया गया, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि डिस्काउंट किसे दिया गया, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस क्लास के फीमेल पैसेंजर को। यहाँ पे बिजनेस क्लास में कितने फीमेल पैसेंजर हैं ये देखना पड़ेगा, 250 थे शायद, एक मिनट, हाँ 200 मेल हैं और 50 फीमेल हैं यहाँ पे। तो इसमें जो नंबर ऑफ मेल हैं वो कितने हैं, 200, और फीमेल कितनी है, 50। इन 50 वाले को ही सिर्फ डिस्काउंट दिया गया है। तो अगर देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 54,000 आपका ये रहा डिस्काउंट, 5,000, और इसमें कितने हैं, 50 फीमेल हैं, और एक फीमेल का जो फेयर है बिफोर डिस्काउंट कितना था, 27,000 था। यहाँ से निकाले प्रेजेंट वैल्यू को, इंटू कर देंगे 100, यहाँ से ये 3 0 3 0 कैंसिल, ये 0 ये कैंसिल, 5 से हो जाएगा ये 20 टाइम्स, 27 से हो जाएगा ये 2 टाइम्स, 22 या 40, 40% हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आ गया। लेकिन मैं बता रहा हूँ बार बार आपको, अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो, नहीं समझ में आए, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने आपको जो भी समस्या हो रही, जो भी आप समझ नहीं पाए, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखे क्वेश्चन नंबर के साथ, मैं आपके डाउट्स जो भी होंगे उसे मैं क्लियर करने में आपकी हेल्प करूँगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन मैं एक बार फिर से इसे थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि इंडिपेंडेंट डे पे सेल लगाया गया, जिसमें फ्लाइट जो ऑपरेटर हैं वो उसको डिस्काउंट ऑफर करते हैं, किसे करते हैं, फीमेल बिजनेस क्लास पैसेंजर को। और यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट पूछा गया है, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया गो एयर के द्वारा, और गो ये कलेक्शन कितना है वो आपको दे रखा है, और बिजनेस क्लास इकोनॉमी क्लास का बेस फेयर जो है वो आपको दिया हुआ है। आपको डिस्काउंट निकालने क्या करना पड़ेगा, आपको ये निकालना पड़ेगा कि पहले डिस्काउंट से पहले डिस्काउंट अगर ऑफर नहीं किया जाता तो इसका रिवेन्यू कितना आता। कैसे निकालेंगे, इन दोनों कर देगा मल्टीप्लाई, ये मिल जाएगा इकोनॉमी क्लास का कितना आ गया, 600 पे 000। फिर यहाँ पे ये कितना है, ये बिजनेस का भी 250 है, 250 को कर देंगे कितना से, 27,000 से, ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें बिजनेस का सा, ये मिल गया 1,275,000, ये आ गया टोटल रिवेन्यू बिफोर डिस्काउंट। लेकिन ये क्या था, 1,221 करोड़ जो है ये क्या है आपका, ये जो वैल्यू है ये क्या है, डिस्काउंट के बाद का है, दोनों को माइनस करके ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमें डिस्काउंटेड वैल्यू, ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमें डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंट का प्राइस मिल गया, डिस्काउंट का जो भी बोले आप रिवेन्यू, जितना ये जितना डिस्काउंट दिया गया वो मिल गया। और ये जो दिया गया ये किस पर, ये दिया गया है 50 फीमेल को, यानी कि एक फीमेल पास के, एक फीमेल का कितना टिकट है, एक फीमेल का टिकट है 27,000, 50 कितना है, 57 पे कर देंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे, याद आएगा आंसर मेरा 40%। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 की तरफ। क्वेश्चन समझ में अगर आया है तो लाइक तो करें एक बार ना, लाइक करें आप लोग, लाइक नहीं करते हैं, लाइक तो कर भी देते, शेयर नहीं करते, शेयर तो किया करें जरूर से। ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें इसे, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यहाँ भी CND है तो ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे, आंसर बताएं। यहाँ पे क्या दिया गया है, इन एयर इंडिया, ये कहाँ से आ गया, एयर इंडिया नहीं है, कोई बात नहीं, टोटल फीमेल पैसेंजर इकोनॉमी क्लास प्लस बिजनेस क्लास इज 250% मोर देन द नंबर ऑफ बिजनेस क्लास फीमेल पैसेंजर इन गो एयर। ओके, ये कह रहा है कि टोटल फीमेल पैसेंजर जो हैं एयर इंडिया में इकोनॉमी क्लास बिजनेस क्लास सबको मिला करके वो 250% ज़्यादा है किससे, बिजनेस क्लास गो एयर के, बिजनेस क्लास के फीमेल पैसेंजर से। तो गो एयर में यानी कि इसमें बिजनेस क्लास में यानी कि इसमें कितने फीमेल थी, अभी देखे तुम लोग ना, ये 250 थे यहाँ पे, इसमें से 200 मेल थे,
और 50 में फीमेल थी। तो इस 50 का क्या करना है आपको, इस 50 का करना है आपको 250% मोर, इसका मतलब 350%, ये करना है आपको। कितना 35 फाइव जा कितना होता है 15 165, 165 नहीं 175, यही आएगा ना। ठीक है, ये 175 कौन आ गया, ये आ गए आपके यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर इन एयर इंडिया। ये बात हो रही है आपकी इसकी एयर इंडिया की, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो मैंने बताया, यहाँ पे देखिए आपका जो फ्लो चलेगा डेटा का वो कैसे चलेगा। इसमें मैंने आपको बताया है पहले भी कई डीआई में कि जब भी आपके पास मेल फीमेल विलेज टाउन इस तरह क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे आपका एक फ्लो चलता है। फ्लो कैसा होता है, जैसे अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एयर इंडिया की, ये कौन हो गए एयर इंडिया, इसमें जितने पैसेंजर ट्रैवल करेंगे वो, इसमें दो चीज़ निकल के आएगा आपके पास, क्या क्या चीज़, मेल ट्रैवल करेंगे फीमेल करेंगे। मेल में क्या होगा, दो तरह के होंगे, एक होंगे बिजनेस क्लास वाले, एक होंगे आपके इकोनॉमी क्लास वाले। सेम फीमेल में बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमी क्लास, वही सेम डेटा फ्लो यहाँ पे आपका चलेगा। और अगर आप इन सब चीज़ों को देखते हैं बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे जो आपके पास फीमेल जो मिला है आपको, किसका ये टोटल फीमेल, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे एयर इंडिया में जितने भी ट्रैवल कर रहे होंगे उनका जो टोटल कितना है, टोटल फीमेल जो है वो कितना है यहाँ पे 175 है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, रेशियो ऑफ बिजनेस क्लास मेल टू इकोनॉमी क्लास फीमेल पैसेंजर इन एयर इंडिया इज 3:5। ओके, यहाँ पे दिया गया है मेल इकोनॉमी क्लास के, यानी कि मेल इकोनॉमी क्लास के कितना है 3x एंड फीमेल पैसेंजर, सॉरी मेल बिजनेस क्लास के, मेल जो है वो बिजनेस क्लास के, ये रहा बिजनेस क्लास के मेल 3x एंड फीमेल कौन सी है, फीमेल है इकोनॉमी क्लास के, यानी कि ये कितना 5x, ये आपको दिया गया है रेशियो के फॉर्म में। पूछा गया फाइंड द टोटल मेल इकोनॉमी क्लास पैसेंजर फ्रॉम ऑल फ्लाइट टुगेदर। अच्छा, सभी फ्लाइट के, यानी कि इंडिगो स्पाइस जेट गो एयर एयरडिया सभी को मिला करके इकोनॉमी में कितने मेल पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा मेल इकोनॉमिक क्लास पैसेंजर, यानी कि ये हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से। क्या इसे निकाल पाएंगे हम लोग, निकाल पाएंगे, कितना आंसर आएगा बताएं। और एक और चीज़ देखें ध्यान से, अगर हमें यहाँ पे इकोनॉमी का पूछा जा रहा है इकोनॉमी क्लास के मेल पैसेंजर का, हमें यहाँ पे पता ही नहीं है में कितने मेल हैं कितने फीमेल, कितने मेल कितने फीमेल है हमें नहीं पता, तो हम कैसे निकाल पाएंगे। पहली बात, अगर हम इस चीज़ को निकाल भी लेते हैं यहाँ से इकोनॉमिक क्लास फाइंड आउट कर भी लेते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये नहीं, मेरे पास ये नहीं है तो आंसर नहीं आएगा, कभी निकाल नहीं पाएंगे। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ अभी तो निकाले थे किसी क्वेश्चन में, ये रहा यहाँ निकाल लेते हैं, तो ये जो डेटा आप निकाले थे यहाँ पे वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए वैलिड था। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि यूज द डेटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है कि आपको डेटा जो है क्वेश्चन 3 का यूज करना है, यूज द डेटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, वो लिखा नहीं गया है। ऐसा लिखा होता तो फिर यूज करते हैं, वो लिखा नहीं गया है। इसका मतलब हम यहाँ से नंबर ऑफ फीमेल यहाँ से हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आया। और एक और चीज़, यहाँ पे इकोनॉमिक क्लास के जो मेल के जो पैसेंजर हैं ये कितने होंगे, ये आप निकाल के बताएं, अगर निकाल पाते हैं तो इसका आंसर बताएंगे आप सीधा कमेंट बॉक्स में लिख करके, आई विल चेक योर आंसर। इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आया, यही थे 5 क्वेश्चन डीआई के, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर इस डीआई को हम एनालाइज करें थोड़ा सा तो क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे फालतू का इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दिया गया था, जिसे देख के आपको लग रहा है डीआई बहुत बड़ा है, बहुत लीन डीआई है। और डेटा को देखिए, अगर डेटा काफ़ी सिंपल है, कैलकुलेशन जिससे क्या हो रहा है मेरा आसान हो जा रहा है। ठीक है, सेकेंड चीज़ अगर देखें यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो लगेगा क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, डीआई करना चाहिए, करना भी चाहिए, आप आराम से कर पाएंगे क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 देखें, ये भी ईजी है, ये भी कर पाएंगे। क्वेश्चन 3 इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ गया आपका, लेकिन इतना तो आपको करना आना चाहिए, इतना आपको करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये भी आप कर लेंगे।
अब रही बात क्वेश्चन फोर की, इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना था आपको, लॉजिक अप्लाई करना था थोड़ा सा, और कैलकुलेशन भी थोड़ा सा इसमें था। तो अगर आपके पास समय है इन तीन क्वेश्चन का आप तेजी से कर जाएं। क्वेश्चन फोर आपको लेंदी लग रहा है, आपको देख के लग रहा है 1.221 करोड़ कैसे निकलेगा, कहाँ से आएगा, कैसे सॉल्व होगा, टाइम लगेगा, ऐसा आपको लगता है, अगर इस क्वेश्चन को स्किप करें, इसके बदले में आप बाकी क्वेश्चन करते हैं, अर्थमेटिक कर सकते हैं, है ना। और फिर अगर पाँचवा क्वेश्चन देखें, ये भी ज़्यादा कुछ था नहीं, ये आप क्वेश्चन को एक बार फ्लो पढ़ेंगे तेज़ी से और आपको यहीं पे दिख जाएगा कि यहाँ पे लिखा गया है मेल इकोनॉमी क्लास। मेल इकोनॉमी क्लास आप निकाल ही नहीं पाएंगे, टोटल नहीं निकाल पाएंगे, ये भी आसान क्वेश्चन है। तो पांच क्वेश्चन देखा आपने, पांचों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन जो थे काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, लेकिन एसिडी आपके एग्जाम में आती है और कई बार ऐसा होता है कि इस डीआई को लोग छोड़ के आते हैं, स्किप करते हैं। क्यों करते हैं स्किप? इसके लेंथ को देख करके स्किप कर देते हैं। तो ऐसा आप ना करें, आप पढ़ें ध्यान से। और हाँ, अगर एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे आप एसिडीआई की, तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में पांचों क्वेश्चन तेज़ी से कर पाएंगे इसके। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस अगर सब समझ में आया है तो वीडियो को एक बार लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब करें, और कुछ डाउट है आपके मन में, कुछ चाहते हैं पूछना, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, यहाँ पर पूछ सकते हैं आप। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें, ये फेसबुक का पेज, यहाँ आप जुड़ सकते हैं, लाइक फॉलो कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम है, यहाँ भी जुड़ सकते हैं आप, और टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन जरूर से कर ही लें आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम और कुछ बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे, जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे।